हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज रोहन। सो आज हम लगाने वाले हैं फर्स्ट आरआरबी पीओ प्रीलिम्स 2024 का मॉक टेस्ट नंबर 1, और ये मैं लगा रहा हूँ ओली बोर्ड से। सो 2024 वाला ये हमारा पहला ही मॉक होने वाला है, तो आप लोग भी लगाना और बताना क्या स्कोर आया आपका, ठीक है? एंड फर्स्ट आई थिंक सबके लिए फ्री है, बट मैंने परचेज कर रखा है इसीलिए ये शो नहीं कर रहा फ्री है या नहीं है, क्योंकि परचेज कर लिया है। अगर आप लोग भी मॉक टेस्ट ओली बोर्ड के परचेज करना चाहते हो तो अभी मदर्स डे सेल चालू है, जिस पर आपको 50% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल रही है और वैलिडिटी भी मिल रही है, ठीक है? तो आप अगर सिर्फ मॉक लेना चाहते हो, जैसे मैंने सिर्फ मॉक की नीड थी मुझे, तो मैंने बैंकिंग लाइट लिया है 12 मंथ्स का। और अगर आपको सेशनल मॉक टेस्ट और बाकी टॉपिक टेस्ट वगैरह सारी चीज़ें चाहिए तो बैंकिंग की लाइट ले सकते हो। कोड आप यूज़ कर लेना RJ20, सॉरी पोली बोर्ड पर RJ20 है, तो इस कोड को अप्लाई करते ही आपका डिस्काउंट लग जाएगा। तो ये आपको 844 का पड़ेगा, ओके? तो फिलहाल हम करते हैं मॉक टेस्ट नंबर 1 और देखते हैं पहले ही मॉक टेस्ट में हमारा क्या स्कोर रहता है। एंड लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग 2024 के मॉक थोड़ी सी इम्प्रूव ये है, लेवल मतलब कि इनका बढ़ाया गया है हर एक प्लेटफॉर्म पर, ठीक है? अभी पोली बोर्ड का भी चेक कर लेते क्या कुछ है। बस सर, सर्कुलर टेबल है 6 काउंटर्स, ओनली 1 काउंटर सिट ऑन ईच फेसिंग आउटवर्ड, ठीक है? तो 6 है ये, 1 2 3 4 6, और यू इज सेकेंड टू द राइट ऑफ क्यू, यू सेकेंड टू द राइट ऑफ क्यू एंड कलेक्ट द नंबर ऑफ द रिसिप्ट, दैट इज 5 टाइम्स ऑफ U1, 5 टाइम्स ऑफ Q, तो U की 5 हो जाएगी, Q की 1, तो और कुछ तो बनेगा नहीं। और क्या है, M4 टू द राइट ऑफ J, 1 2 3, J इज नॉट नेबर ऑफ U, तो J इधर आएगा नहीं, J इधर, तो J के 1 2 3, जे के 1 2 3 4, या फिर जे इधर 1 2 3, इधर आ ही नहीं सकता, तो जे इधर ही आएगा और एम इधर बनेगा, ये खत्म। और एल इज नाइदर कलेक्ट 4 के, तो नाइदर नॉट नेबर ऑफ एम, एल आ गया इधर, एल आ जाएगा इधर, एल जो कि 4 के नहीं है। और क्या क्या बच गया, एल एम पी रह गया ना, एक पी इधर आ जाएगा, फिर क्या है, पी कलेक्ट द 3, पी हो गया 3, एम नाइदर कलेक्ट लेस रिसिप्ट देन जे, एम इज मोर देन जे, नोट, और एम जो है लेस देन एल होगा। तो ये 3 बचे हुए हैं सिर्फ, एक वैसे दोनों ही सेम बने हैं ना, तो 1 2 3 हो गया 4, और यहाँ पर फिर 5, 5 हो गया 6, एल हो जाएगा 6, एम हो जाएगा 4, और जे सबसे कम 2। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिसिप्ट एल और क्यू, एल और क्यू की रिसिप्ट हो जाएगी 5, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम हो जाएगा यू जो कि 5 के है, तो सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ यू नहीं, द मेंबर हु इज इमीडिएट राइट ऑफ द, इमीडिएट राइट तो है ही नहीं, दबन ये क्या बात हुई, इट्स इट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम, और फेसिंग आउटवर्ड, आउटवर्ड ही तो है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम, एम पी द नंबर, द मेंबर हु कलेक्ट द 2 के नहीं है, मेंबर हु सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू, ये तो खुद ही यू है, द मेंबर इमीडिएट राइट ऑफ द 1, 5 के क्योंकि नहीं यार, यू सेकेंड टू द राइट ऑफ, सेकेंड टू द राइट ऑफ क्यू, 1 2 हो गया, एंड द कलेक्ट द नंबर ऑफ द यू कलेक्ट दैट इज 5 टाइम्स ऑफ क्यू, 5 और 1 यही आएगा, और कोई तो बने, एम 4 टू द राइट ऑफ जे, 1 2 3 4,
जे इज नॉट नेबर ऑफ यू, सॉरी एम नहीं आएगा यार, गलत पढ़ लिया, यू इधर आ गया, 5, 2 इधर, 1, यहां से एम इज नॉट नेबर ऑफ यू, एम इधर नहीं आएगा, एम इधर आ सकता है, तो एम अगर इधर बना तो 1, 2, 3, 4 इधर आएगा, फिर या फिर यू, मैंने फिर जे इधर मान लिया, जे के एम 4 टू द राइट ऑफ 1, 2, 3, 4, बस यही बनेगा। तो अब देखते हैं आगे क्या था, एल इज नो द नेबर ऑफ एम, एन इधर आएगा, पी इधर, फिर 4 क्या था, पी कलेक्ट द 3, फिर यही बन जाएगा, एल का क्या है सबसे बड़ा 6, एम का हो जाएगा 4 और जे का सबसे कम 2। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम जो कि पी ने जिसके पास योगे, इमीडिएट राइट ऑफ नहीं, तो सिर्फ यही आएगा, हाउ मेनी पर्सन, हाउ मेनी मेंबर्स सिर्फ जे और पी, तो जे और पी हैं 2, 2 आएंगे जे और पी में, 2 डिफरेंस बिटवीन एल और क्यू, सो एल एल कितना है और क्यू, तो ये तो सेम ही रहेगा, ऑर्डर करो, करेक्ट ऑर्डर बताने, क्यू 3 से बड़ा नहीं है, 6 यू जे, 6 है फिर यू है फिर जे है देन क्यू, ये सही है एकदम। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एल विद रिस्पेक्ट टू द पी, एल विद रिस्पेक्ट टू द पी इमीडिएट लेफ्ट, द पर्सन स्टार्ट मूविंग द वेस्ट डायरेक्शन, सेक्शन 4 टू पॉइंट, फ्रॉम पॉइंट के टू एम हो गया, फ्रॉम पॉइंट एम इट टू द राइट एंड वॉक द 3, रीच द पॉइंट जे एंड वॉक द वेस्ट एंड 4 मीटर वेस्ट एन टू द राइट फ्रॉम पॉइंट एन एंड वॉक 3, फिर से 3 टू रीच द पॉइंट एल, फाइनली फ्रॉम पॉइंट एल ही वॉक 8 पॉइंट आई, छोटे डिस्टेंस एल और के, एल और के में ये बताना है हमें, तो 4, 4, 8 तो ये हो गया, 3, 3, 6, 64, 36, 10, ऑर्डर आउट एल और के, एल के एन एम, एल और एम, एल जे, फिर एल और आई, आर ग्रेटर देन सी, आर 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 ये रहा, आर ग्रेटर देन सी सही है, टी ग्रेटर देन एस, टी ग्रेटर देन एस ये भी सही है बहुत, यू ग्रेटर देन वी, यू ग्रेटर देन वी ये आइदर और बनेगा इसका, एफ ग्रेटर देन जे, एफ ग्रेटर देन जे नहीं बनेगा, एल ग्रेटर देन एच, एल ग्रेटर देन एच ये भी नहीं बनेगा, तीन डेट्स हैं, 6, 9, 16, 23, 9, 16, 23, 9, 16, 23, तो मूवीज के नेम है ये, मंथ कौन कौन से, अप्रैल मई और जून, मार्च अप्रैल मई, बस यही एक, 5 मूवीज आर बिटवीन एनाकोंडा एंड जुरासिक पार्क इन विच एनाकोंडा इज रिलीज ऑन इवन डेट, एनाकोंडा हम इधर लिख देते हैं, इवन डेट एनाकोंडा इधर आ ही नहीं सकता, 1, 2, 3, 4, 5, 5 इधर आने के बाद ये हो गया जुरासिक, 3, 4, 5 जुरासिक और एनाकोंडा, ठीक है, रिलीज ऑन इवन डेट, और स्पाइडरमैन इज रिलीज आफ्टर जोरेसिक पार्क, जस्ट आफ्टर स्पाइडरमैन, जस्ट आफ्टर टू टू रिलीज, 2 मूवीज आर रिलीज बिटवीन जोरेसिक पार्क और गोडजिला, 1, 2,
एक दो। टार्जन मूवी इज रिलीज ऑन प्राइम नंबर डेट आफ्टर द गोडजिला। कौन सी मूवी बोली थी इसने? टार्जन इधर नहीं आएगा, टार्जन इधर एक एक और एक दो, इसमें दो पोजीशंस हो रही हैं इधर। और एवेंजर इज रिलीज एट ए गैप ऑफ वन विद गोडजिला। अब एवेंजर्स, ठीक है, एवेंजर एट ए गैप ऑफ वन एंड द डेट इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। एवेंजर डेट इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो यहाँ पर ही आएगा एवेंजर्स। ओके, और क्या है? बैटमैन इज रिलीज इमीडिएट आफ्टर, तो ये बनेगा इधर बैटमैन। फास्ट एंड फ्यूरियस, और एक चीज में क्या उधर बची हुई थी, कौन सा? एनाकोंडा स्पाइडरमैन लिख देनी चाहिए थी। टार्जन इज, टार्जन हो ही गया है, स्पाइडरमैन इज रिलीज आफ्टर, कौन सा बचिया? वो एक फाइव मूवीज भी हो गई, स्पाइडरमैन इज रिलीज जस्ट आफ्टर। जुरासिक पार्क और टार्जन हो गया, फिर एवेंजर्स गैप ऑफ, ये भी गया, बैटमैन इज रिलीज इमीडिएट आफ्टर, ये हो गया। तो एक बचा है ना, कौन सा? एवेंजर हो गया, बैटमैन है ना, कौन सा? सुपरमैन रह गया, ठीक है। 9 अप्रैल यही है सुपरमैन। फास्ट एंड फ्यूरियस रिलीज होगा, फास्ट एंड फ्यूरियस 23 अप्रैल। बैटमैन गोडजिला, बैटमैन हो गया गोडजिला, एवेंजर जुरासिक पार्क, जुरासिक पार्क एवेंजर, टार्जन, टार्जन हो गया 9/16/16। टार्जन वाला गलत है एक, तो मुझे यही रहा है, बाकी टार्जन वाला। फर्स्ट एंड फ्यूरियस इज रिलेटेड टू एनाकोंडा, गोडजिला, बैटमैन, ठीक है। द सेम वे स्पाइडरमैन इज रिलेटेड टू जुरासिक पार्क। मूवी इज रिलीज इन द मंथ विद ओड नंबर ऑफ डेज, ओड नंबर ऑफ द बैटमैन, गोडजिला, गोडजिला भी नहीं है तो टार्जन कुछ तो। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवी इज रिलीज इन द मंथ विद ओड नंबर ऑफ डेज, बैटमैन, गोडजिला, टार्जन। बैटमैन नहीं है, गोडजिला भी नहीं है, टार्जन भी नहीं है। 9% है जो कि वोटो मोस्ट इज वन। ओके, सो 9/8/7/6/5/4/3/2/1। और ये जो है भाई सिंगल वेरिएबल भी है, फिर एक सेकेंड, ये क्या हो गया? रामू द पोस्टमैन पोस्टेड 9 लेटर। ओके, सी इज इमीडिएट बिफोर द बी, ही पोस्टेड 6 लेटर बिटवीन सी और डी, ओनली 3 लेटर पोस्टेड आफ्टर एफ, ठीक है। द नंबर ऑफ द लेटर्स बिटवीन डी और एफ इज इक्वल टू द बी और ए, ही पोस्टेड जी जी इज लेटर इमीडिएट बिफोर ई, एच जो कि 7th पर नहीं होगा, लेकिन अब इसे हम बनाएं कैसे? सी और डी में 6 बनाने हैं, यहां से अगर स्टार्ट करते हैं, सी 1 2 3 4 5 6 डी हो गया, लेकिन सी सी भी 1 2 3 4 5 6 डी हो गया इधर, और सी इधर आएगा, बी इधर, 1 2 3 4 5 6 सी और डी हो गया, तो सी बी और सी ये हो गया। और इतने डी और एफ में ये हो गया, एक का गैप, बी और ए में भी एक का गैप, दो का गैप,
दो का गैप इधर पॉसिबल नहीं हो रहा, खत्म। डी और एफ में एक दो तीन चार, तो एक दो तीन चार ये हो गया, ये खत्म। दूसरा हमें जी और ई बनाना, जी और ई इसमें बनेगा नहीं, जी और ई इसमें बनेगा, ये बन गया, जी और ई इसमें नहीं है। फिर क्या है, एच जो भी सेवंथ पर, ये क्या बात है, सी इज इमीडिएट बिफोर बी, ये पोसेसिव लेटर्स एक दो तीन चार पाँच छः, ओनली थ्री लेटर वर पोस्टेड आफ्टर एफ, द नंबर ऑफ द लेटर डी और एफ तीन चार इज इक्वल टू द बी और ए, एक दो तीन चार हो गए, जी इज पोस्टेड इमीडिएट बिफोर ई, ये हो गया, इसमें हो नहीं रहा ये, एच डजंट नहीं होगा, सेवंथ फ्लोर, एच तो सेवन पर नहीं है, लेकिन ये कहाँ गए भाई दोनों, तो देखते हैं इमीडिएट बिलो आई, इमीडिएट बिलो आई, अब एच और आई तो ये ऐसे ही बनेगा बिल्कुल, इमीडिएट बिलो आई द पर्सन जो कि सिक्स नहीं होगा, द पर्सन इमीडिएट अबोव एच ये भी हो सकता है, फिर ई द पर्सन हो नहीं इमीडिएट, जी और ए तो यही बनेगा फिर, एक और तो कोई मुझे दिख नहीं रहा। हाउ मेनी पीपल लिव बिटवीन सी और एच, नहीं भाई बड़ी बेकार है यार, तो कुछ और तो मिस नहीं कर रहा। रामू तो सी इमीडिएट बिफोर बी हो गया, ही पोस्टेड सिक्स लेटर्स बिटवीन दो तीन चार पाँच छः, तो भी ठीक है भाई, ओनली थ्री लेटर वर पोस्टेड आफ्टर एफ, द नंबर ऑफ द लेटर्स पोस्टेड बिटवीन डी और एफ इज इक्वल टू द डी और एफ बी और ए, ही पोस्टेड जी लेटर इमीडिएट बिफोर इज लेटर, जी लेटर इमीडिएट बिफोर ई लेटर, हाउ मेनी पीपल लिव बिटवीन सी और एच, ये कैसे बनाया यार, या तो ए को भी नहीं होगा या दो होंगे, उसको का नंबर डी और आई क्या बता भाई हमें, मोर देन फाइव या लेस देन थ्री, सी जी सी है, फिर जी है, डी एफ डी हो गया, एफ हो गया और ए, यहाँ से चार तो डी गलत आएगा, बना तो यार फिर सही है, इस टू एटलीस्ट थ्री पर्सन सी और आई कम से कम, ये तो गलत हो गया, नॉट मोर देन 5% बी और जी, चार पांच छह ये भी गलत है, रामू जी पोस्टर बिफोर ए, जी बिफोर ये सही है, बस एक लास्ट वाला थर्ड सही है, पीपल ई सेवंथ पर, अब सेवंथ है ही नहीं बताऊं क्या करे, सी पोस्ट इमीडिएट बिफोर तो ये हो गया, चलो ठीक है, पोस्ट सिक्स लेटर्स बिटवीन सिक्स लेटर यार कैसे बने, ओनली थ्री लेटर वो पोस्टेड आफ्टर एफ, वन टू थ्री हो गया, सी एक दो तीन चार पाँच छ, सी डी या फिर सी इधर, तो सी इधर बन नहीं सकता, बी सी इधर एक दो तीन चार पाँच छ, डी आएगा, एफ एफ हो गया, फिर और डी और एफ में एक का ही गैप है, तो बी और बी कहाँ पे बनेगा, सी के जस्ट नीचे, बी और ए दो का गैप, दो का गैप ये पॉसिबल नहीं है, डी और एफ
चार, एक दो तीन चार, ये हो गया जी और ही इसमें बन नहीं रहा, जी और ही बनेगा सिर्फ इसमें, वो चीज हो नहीं रही। बॉटम मोस्ट इज नंबर वन, सही है। अबो इज टू। नाइन लेटर्स, वन। नहीं भैया ये बड़ी बेकार है यार, इसको हटाओ इसको। टू पैरेलल रोज है जो कि फोर टू इक्वल सिट इन रो, और इन रो टू जो कि होगा फेसिंग टू द नॉर्थ, ए सी हो गया साउथ में देखने वाले हैं, बी डी एफ और एच। ठीक है साउथ में टू पर्सन से डी और डी एंड द वन फेसेस, टू पर्सन डी एंड द वन फेसेस सी, वन पर्सन डी और एफ, डी और एफ नाइदर डी नोर एफ, डी और एफ फेसेस ई, सी डज नॉट फेस बी, सी डज नॉट फेस बी, तो बी इधर आ गया, एच सी डज नॉट फेस बी एंड डी डज नॉट फेस ए। ए सिट टू द लेफ्ट ऑफ जी, फेसेस एच सी, द फॉलोइंग सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ सी, सेकेंड टू द राइट ऑफ ई, एफ डी, एफ हो गया, डी हो गया, बी एफ डी बी, फिर एच है तो ई गलत हो जाएगा ये। वट इज द पोजिशन ऑफ एच विद रिस्पेक्ट टू द बी, एच विद रिस्पेक्ट टू द बी, वन टू सेकेंड टू द राइट, एच इमीडिएट राइट ऑफ एफ, सही है, और एफ फेसेस ए, ये भी सही है, डी सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी और ई सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, ये गलत है। मीनिंगफुल वर्ड इसको ये छोड़ो, फिर अर्थ का बताना है, अर्थ का यहाँ से एक और एक दो, ये दोनों है तो बी टू बी हो सकता है ये, और जी से ये नहीं होगा, एफ सिक्स ये नहीं है, तो ये बताने ट्रू। ड्रिंक का देख लेते हैं, ड्रिंक ड्रिंक सबसे पहले इधर ही है तो सी ये हो सकता है, फिर ट्रू बताना है ना, तो ये वाला तो भी नहीं होगा, फिर नहीं। फ्रेश का देखते हैं, फ्रेश एक, सिर्फ फ्रेश भी इसी में तो नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा। और ग्लो ग्रो का देखते हैं, ग्रो ग्रो यहाँ पर है, डी ये हो गया, ये नहीं होगा, बी टू बी नहीं होगा, ए वन ये भी हमें श्योर नहीं है, तो फिर टू का देखने, टू में भी वही गड़बड़ होगी, तो वोटर का देखना होगा, वोटर का एक दो तीन, तो मुझे लग रहा है वोटर का ही एकदम सही मिलना चाहिए, लेकिन ये भी नहीं है, बता फिर क्या होगा भाई, वोटर का तो गलत है, साफ है। टू ओके, टू इन दोनों में, सॉरी सी ये नहीं होगा, एच एट ये भी नहीं होगा, ई फाइव ये सही है, सी थ्री सी, सी थ्री सी ये सिर्फ इसी में, तो टू का नहीं होगा, ड्रिंक ड्रिंक हो सकता है, फ्रेश ड्रिंक और फ्रेश इस, अगर इसका ये तो फ्रेश का देखना, फ्रेश का भाई दो थे, सी थ्री और सी थ्री सी हो गया, दूसरा प्लांट का देखते हैं, एक और एक दो यहाँ से, डी फोर डी हो सकता है, और जी सेवन ये नहीं होगा, एफ सिक्स ये भी नहीं होगा, सी थ्री और डी फोर, ग्रो टू सेव, ग्रो ग्रो टू, टू का
यहाँ पर मैंने देखा था जो कि क्या था भाई, E5, E5, E हो गया ग्रो का, सिर्फ इसी में मिलेगा, D4 नहीं, B2 भी, ये भी नहीं है, A1 A हो गया एक तो, और F6 ये नहीं बनेगा, D4 ये गया, B2 B गया, और ये मैंने लिख लिया, F6 ये बनेगा नहीं, ये भी नहीं बनेगा, फिर सेव का देखते हैं, एक दो और एक ये तीन, B2 G7 नहीं, F6 F6 F, ओनली फ्यू कप बुक और ऑल बुक स्लेट, सम स्लेट मग, सम स्लेट इज बुक, स्लेट इज बुक, और क्या कप इज स्लेट, कप इज स्लेट, ये भी ठीक है, बोथ पजल ने सारा ही मूड खराब हो गया इस मौके में। ओनली फ्यू एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, ऑल मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ऑल डिवीजन, सब्सट्रैक्शन, सब डिवीजन इज एडिशन, सही है, सब सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, ये भी सही है, बहुत। ओनली फ्यू बॉल्स आर बैट्स, ऑल बैट्स हेलमेट, ओनली फ्यू हेलमेट जो कि विकेट, ऑल बैट बीइंग, ऑल बॉल बीइंग बैट नहीं हो सकती, ऑल बैट आर बॉल, बैट कैन बी, बैट कैन बी विकेट, ये हो सकते हैं, ओनली सेकेंड होगा इसका। फिर हाउ मेनी प्लेयर्स, A1 J, ए फिर एल होगा 12, इसका भी 12, T20 H8 E5 B2 E5 H S19 T20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और एक 20 भी बनेगा, 12 13 14 15 16 17 18 19 नहीं, 20 बनेगा नहीं, 8 9 10 11 12 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8 9 10 11 12 फिर 19 20, तो बस ये तीन ही बनेंगे। देयर आर द फोर स्टूडेंट्स हैं जो कि ये हैं, और हु आर एक्टिव फॉर द फोर डिफरेंट सोशल मीडिया, सोशल मीडिया जो कि है, ईच द स्टूडेंट कैन एक्टिव एटलीस्ट वन, यहां से लिखते हैं स्नैपचैट, फेसबुक, आउटपुट और इंस्टा, तो बट नॉट मोर देन 3, 3 से ज्यादा नहीं होंगे, 1 या 3, ओनली ए और सी आर नॉट एक्टिव इन फेसबुक, तो ए और सी नहीं, तो बी और डी आएंगे, ये हो गया फुल, ओनली ए इज एक्टिव ऑन, ओनली ए, ये भी हो गया, नाइदर सी और डी इज एक्टिव ऑन, तो स्नैपचैट सी और डी नहीं है, ऑल द फोर बट नॉट मोर देन 3, ऑल फोर आर एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम, ए बी सी डी, ए बी सी डी, और ए और बी आर एक्टिव ऑन द, ए और बी आर एक्टिव ऑन 3 प्लेटफॉर्म, ए बी, ए तो इधर हो गया, तो ए इधर आएगा और बी भी आएगा इधर, बस बन गया, यही बनेगा, ऑन विच ऑफ द सोशल मीडिया बी नॉट एक्टिव, बी नॉट एक्टिव जो कि है, और कुछ प्लेटफॉर्म जो कि ऑर्कुट है, सबसे कम कौन सा एक्टिव है, ओके ए तो है ही 3, ये भी हो गया, सी सबसे कम है, नंबर ऑफ द प्लेटफॉर्म ऑन विच स्टूडेंट ए इज एक्टिव इज सेम एज द नंबर ऑफ द प्लेटफॉर्म बी इज एक्टिव,
उन बीच ऑफ द प्लेटफॉर्म आर बोथ सी एंड डी आर नॉट एक्टिव, तो सी और डी किसमें एक्टिव नहीं है? ओरकुट और स्नैपचैट, स्नैपचैट ए हो गया, इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम सी हो गया, और कुछ बी नहीं है, फेसबुक डी भी सही है, स्नैपचैट बी, ये ठीक है। सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ अंकित और दीपक 60 है, दीपक इज 6 ईयर एल्डर, हर्षित एंड हर्षित इज 3 ईयर यंगर देन द अंकित, तो डी एच फोर ए, ए का मान लिया एक्स, ए एक्स मान लिया तो x-3 हो गया, x-3 तो x+4 हो जाएगा। अब ये कौन से है भाई, ए और डी का, ये 2x=4, यहाँ से माइनस होगा तो 56, 25 और 3 28, 28 आ गई एक्स की वैल्यू। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द अंकित, 28 रेशियो जो कि गिवन है, कितने किए भाई मैंने इसके, 34 ही हुए। रेशियो ऑफ द आइटम सोल्ड ऑन ब्रांड ए और बी, एवरेज नंबर ऑफ द आइटम, पी क्यू आर एस टी, पी टोटल, ए और बी टोटल 0, 8 दूनी 16, तो 9 हो गया 500, करते चलते हैं, 1 2 0 12 पंजे 60, 12 3 36 होता है ना, सही है, और यहाँ पर 10 हो गया तो एक सेकेंड 500, 10 करें तो 50 आएगा, 5 3 15 35, यहाँ से 0 6 2 6 12 13, यहाँ पर आ 11, तो 1 2 12, 12 पंजे 60, 600 हो गया, 12 6 72, यहाँ से हो गया 1000 और 36 2 72, 3 और 1 4, 4 आ गया 250, तो 750 तो ये हो गया, 250 गई है, 12 12 6 6, 7 6 42 और 6 5 30। रेशो द नंबर ऑफ द ए ऑन ब्रांड ए आइटम सोल्ड ऑन पी ए पी और द बी जो कि आर, बी आर में 12 5 और 1 6, टोटल आइटम ब्रांड ए आइटम सोल्ड क्यू, ए जो कि क्यू है, कितना परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ द ए आइटम सोल्ड ऑफ एस, 150 इज 5, 20% आएगा इक्वल टू, और ये जो गिवन क्या है, x² + 4 परसेंटेज से कट ही जाएगा, तो ये उससे हो जाएगा 16, इसकी वैल्यू होगी 4। डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ द आइटम ए पी और क्यू, ए जो कि पी और क्यू 0 5 7, और ए और बी एंड टी, ए और बी और टी में है 720, तो 30। टोटल नंबर ऑफ द बी आइटम सोल्ड बाय द पी और जेड, बी आइटम पी में है ये 6 7 6 42 हो गया, जेड में द टोटल नंबर ऑफ द आइटम ए क्यू और जेड, ए क्यू में कितने हैं 5 5 4, ये टोटल पूछा होगा 820 आएगा, ये होगा 120, ये रहा। सम ऑफ द ब्रांड बी आर एस ओ टी, आर एस ओ टी 0 7 10 1270, डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 8 एंड द सम -y और x+y 42, मल्टीप्लीकेशन बता, दोनों को ऐड कर देते हैं, 2x=50, एक्स अगर 25, दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से एक सेकेंड, एक्स जब 25 आएगी हमारे पास तो एक्स की वैल्यू 25 पुट करेंगे, 15 16 17 हो गया, ये हो जाएगा 25 7 175, 17 25 1 5 7 8 12, 425, 72 ये होगा, 5 2 7 3 2 5 और 1 3, 7 17 2 34, 17 1 17 और 21 के बेहतर, डिवाइड बाय 21 है इक्वल टू 24 डिवाइड बाय एक्स, यहाँ से कितना बनेगा फिर, 24 से 72 या फिर 7, और 7 5 35, 3 और 7 7 49, 50 52, 5 7 5 12 इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 4 4 और ये 1,
ज्यादा नहीं आ जाएगा, 12 और फिर 35, ये बनना चाहिए 12 5 60 से 12 36 42, यहाँ से 12 ये 36 हो गया, वो 36 12 6 72 0 12 दूनी तो 180, तो ये आ गया। डिवाइड करेंगे इससे जो कि ये है 5 4, ये आ जाएगा 4 हमारा 45, पैंतालीस 9 9 9 जो कि 5 5 25 आएगा, 25 प्लस में 25 यहाँ से 28 10 आ जाएगा इसका आंसर, ये कितना बनेगा, ये हो गया। और यहाँ से इंटू में 12 डिवाइड बाय 10, 25 × 10 करेंगे तो 25 आ गया 5 पर, ये गया 5 आ गया 2 0, 3 बाय 5 इक्वल्स टू में तो 6, तो 3 आएगा, इस 3 आना चाहिए ना, 3 तो है ही नहीं, यहाँ से 125 हो गया, 100 नीचे चला गया, इनटू में ये 12 बनेगा, यहाँ से 10 आएगा और डिवाइड में ये है तो इधर 10, 10 - 3.6, 4 और 1 5 आ गया, 10 से ये 10 गया, 5 2 0 तो 4 से करें, 3 और 4 यही आ रहा है यार, 3 और 5 और 3 दूनी 6 ओके 4.2 बनेगा, सॉरी प्लस हो जाएंगे, मैंने माइनस कर दिया, और यहाँ से 729 इक्वल्स टू 34 का स्क्वायर कितना होता है, 12 25 तो उसका होता है, 12 25 11 96, 16 1 4 3 12 12 24 25 का 5 11 56, फिर यहाँ से 27 और 9 1129 हो गया, और 729 में 00 4 20, देखते हैं जो कि है 17 18 19 अलग अलग है, तो एवरेज नंबर होता है राइस, जो कि एवरेज नंबर होता है राइस एंड वीट इन एन और के, एवरेज नंबर होता है राइस और वीट, अठारह और ये हो गया, तो यहाँ पर कितना है ये 620, तो ये हो गया, और इधर 540, एन और के में कितना है 600 800, यहाँ से 400 8 4 12, 620 हो गया, 0 6 सॉरी 11 580, 0 0 6 12 1200 हो गया, 70% मार्क करते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, प्रोडक्शन ऑफ द राइस और वीट इन के 2018 के, जो कि दोनों ही है ना, के जो 2018 ये हो गया 400 इज व्हाट परसेंट ऑफ द एक्स इन 2019, एक्स कहाँ है, एक्स 2019 का है ये पूरा है, जो कि 700, ये था 400, 7 ये कट ही जाएगा, तो 7 5 35, फिर 5 0 7 7 49, 57, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द राइस एन और एस 2017, 2017 ये हो गया 440, और एन में कितना है 800, तो 1240 तो ये हो गया, माइनस करेंगे डी और एक्स, डी और एक्स 2018, 2018 है 580, यहाँ पर है 640, 4 12 6 2 12, तो सिर्फ 20 आएगा, प्रोडक्शन ऑफ द के इन 2019, के 2019 है 840, प्रोडक्शन ऑफ एक्स 2017, एक्स 2017 ये है 40 कम 500, 003 500, 18 हो गया, 10 हो गया इधर, फिर कितना आएगा 5 9 500 9 9 5 45, 5 0 55 कुछ आ जाएगा ये अप्रोक्सीमेट, तो 1 सेकेंड ये 55 55 दो आंसर है, अभी ये गलत मिलेगा पक्का, देखा जाएगा,
ये पता नहीं इंटू फोर इंटू फाइव इंटू सिक्स हो गया, तो इंटू थ्री करेंगे, डिवाइड बाय थ्री करेंगे तो दो आ जाएगा इसमें, ये नहीं पता। प्लस में 17 और 1 18, फिर प्लस किया तो 6 3, फिर प्लस यहाँ पर कितना, फिर 23 9 12 72, डबल डबल हो रहा है तो 9 करेंगे, 9 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना बनना चाहिए, 16 14 14 9 13 हो गया, ये नहीं पता ये नहीं पता। फिर प्लस में 2 3, फिर प्लस किया तो 50 60 64, फिर प्लस 8 9 और 10 11 12, आप करेंगे 8 करेंगे, प्लस में 15 प्लस में 30 40 45, प्लस में यहाँ से 80 70 75 हो गया, फिर प्लस करेंगे तो इंटू थ्री, चलो आगे देखते हैं, 3 5 1 3 हो गया, फिर 5 हो गया, अगला क्या है 5 और 7 हो गया, फिर 9 करना पड़ेगा तो 135 305, 5 10 13 3 1 4 530, ये पता नहीं ये भी नहीं पता। फिर प्लस में 42, फिर प्लस में 6, यहाँ से आया 5, फिर प्लस 0 तो यहाँ पर 6 और 1 7, ये क्या हो रहा है भाई, इधर 14 इधर, फिर 14 16 14 फिर 14, तो 14 14 तो यही बनेगा, 14 ऐड करेंगे 257, 7 4 11 6 और 1 7 271 सैलरी ऑफ। चलो आगे ये देख लेते हैं अभी और क्या क्या बचा हुआ है भाई, एसी और यह स्लीपर पैसेंजर ट्रेवल और एसी और स्लीपर, नंबर ऑफ द पैसेंजर एसी एंड स्लीपर टुगेदर इन अप्रैल, अप्रैल के हैं 11 12 और इधर 25 5 7 3 37 हो गया, परसेंटेज ऑफ द एसी और स्लीपर इन जून, जून का यहाँ से एक इसको दे देते हैं 25 30 40 हो गया, 40 × 100 2 5 7 5 35 3 3 18, 2 से करेंगे 9 92.5, एवरेज नंबर ऑफ द पैसेंजर स्लीपर मई, स्लीपर मई में है 25 और अप्रैल में, अप्रैल मई हो गया ये 3000 रुपये, 0 5 5 हो गया, यहाँ से 27.5 हो जाएगा, तो इसको मार्क कर लेते हैं। द टोटल नंबर ऑफ द पैसेंजर एसी इन जुलाई, एसी पैसेंजर जो कि जुलाई में एसी वाले कितने हो गए, 22 23 हो गया 2300, हाउ मच मोर देन द ट्रैवल स्लीपर इन मई, स्लीपर में हो गया 3000 तो 700 आएगा। रेशियो ऑफ द पैसेंजर ट्रैवल इन, पैसेंजर ट्रैवल इन एसी और स्लीपर टुगेदर इन अगस्त, अगस्त में एक इधर देते हैं तो यहाँ से आएगा 4000, तो दा पैसेंजर एसी जो मई में कितने हैं, मई में हो गए 3 4 साढ़े 4 45 40 47 4800, 48 आ गया तो इधर 10 और फिर 12 5 6, डिस्टेंस ट्रेवल्स टाउ द डायमीटर द कोन इज लेंथ ऑफ द पाथ, लेंथ ऑफ द पाथ लेंथ और ब्रेथ दे दिया 7:5 इधर, और एरिया का अपन 12 2 2 4 0 12 1 12, और यहाँ से ये कैसे हुआ, 7 5 तो 35 होता है ना यार, मैं भी क्या कर रहा हूँ, 7 5 35 तो 35 का अगर मैं 7 के 7 1 के 7 5 अगर 2 2 4 3 2 6 एक्स की वैल्यू होगी 8, व्हाट इज द पैरामीटर, 8 7 56 8 5 40 6 9, यहाँ से 9 6 2 12 9 2 18 19, तो 1 > 2 आ जाएगा, द सम ऑफ द इतना इज लेंथ ऑफ कंपाउंडेड एनुअली द 3 इयर्स 1/8, 3 साल के बाद 7 6 8 0 8 8 में 72 8 6 48 0 960,
तो तीन फिर 960 को 1 2 0 12 30 36 तो ये हो गया, इंटू 3 करेंगे 0, 6 3 18, 1 9 27 और 1 28, 360 0 4, तो 8 4 12 300, तो यहाँ से फर्स्ट वाला बड़ा हो गया। टिंकू परचेज 15 बैग ऑफ इतने और इतना इतना, ठीक है 15 8 120, और 0 0 9 2 18, 1 5 10 11, 0 0 8 3 2 डिवाइड बाय 35, तो यहाँ से 5 से कर देते हैं ना इसको, 7 1 8 2 16, 1 3 2 6 1 7, 2 2 4, 7 6 42, 5 7 2 8, 68 आ गया। फिर भैया अच्छा खासा ये हो सकता था एग्जाम मॉक टेस्ट, ठीक है, लेकिन सारा काम गड़बड़ा गया। तो ये है जो कि इसमें तो रेशियो बढ़ा देते हैं 400 300 500, और 4 15 64 460 हो गया, 46 बनेगा, और 10% तो 33, ठीक है टाइम अप हो चुका है, इसको सबमिट कर देते हैं। बड़ा ही बेकार परसेंटाइल आया होगा मेरा जैसा मुझे लग रहा है, लेकिन मैं मुझे ये देखनी है पजल वो हुई कैसे हो? मेरा इतना टाइम ज्यादा खराब किया उस पजल ने कसम से, मतलब एक ये कैसे गलत हुआ भाई, इसका टू पैरेलल वाला ये रहा, द वन हु फेसेस द सेकंड टू द राइट ऑफ सी भी आना था, ओके मैंने यही मार्क कर दिया। वाह इसमें 4 बनने थे, ठीक है भाई, और इसमें जो टाइम लगाया ना मैंने, ये देखो कितना 40 मान लेते, 60 6, 4 मिनट मेरी खराब हुई है इधर। बना क्या है भाई इसका, बी सी आई जो कि कहीं भी नहीं है, तो एफ ये बनाया यहाँ से, ये किया इसने, वाह ठीक है मेरी गलती है भाई। 50 द प्रोडक्शन ऑफ द राइस के इन 2019, के जो कि के ये रहा 2019 का, शायद मैंने गलत लिख दिया इसका, 840 तो ये है, व्हाट परसेंट लेस देन द एक्स 2017, एक्स में 2017 है ये, जो कि 520 40 60, 560 है, 540 कुछ किया था शायद में, 560 है ये, तो 204 280 560 डायरेक्ट डायरेक्ट कट ही रहा था, 7 2 8 56, 7 4 1/2, 50% था सीधा, कैलकुलेशन मिस्टेक काफी ज्यादा किए हैं यार मैंने इसमें, तो परसेंटाइल भी देख लेते हैं, परसेंटाइल 92, सच में यकीन नहीं हो रहा इतना टाइम खराब करने के बाद भी ठीक ही है यार परसेंटाइल, अगर ये टाइम मेरा खराब नहीं हुआ था तो 65 प्लस इजी थे, बहुत इजी थे 65 प्लस, 65 प्लस में तो भाई 97 कुछ परसेंटाइल हो जाता 65 में, तो ये ज्यादा कुछ क्या ही बोलूँ मैं, ज्यादा कुछ तो मैं बोलूंगा इंग्लिश में, ठीक है आप लोग लगाना और बताना आपका क्या स्कोर बना इस मॉक टेस्ट में। ओके सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।